नमस्कार दोस्तों, हम लोग एमबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने कुल 70 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल कर लिया है। चलिए अब हम अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ये पूछ रहा है कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। चूंकि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ये अपराइट तो होता है, लेकिन इन द केस ऑफ सी, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी का ये इन्वर्टेड हो जाता है, तो ये हमेशा अपराइट नहीं होगा। पिरामिड ऑफ द नंबर में ये अपराइट होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में जो ट्री का होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, तो ये भी हमेशा अपराइट नहीं होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये ऑलवेज अपराइट। ये पूछ रहा है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो पिरामिड ऑफ द एनर्जी ऑलवेज अपराइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस कैप्सूल सबमेराइन एंड ब्रीदिंग मास्क में। कौन सा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के रूप में यूज किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं जो ह्यूमन होता है वो इनटेक करता है किसका, ऑक्सीजन का, और एक्सहेल किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम जो ह्यूमन होता है वो इनटेक करता है ऑक्सीजन का और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हम फिल करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्यों पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ही फिल करते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमको ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल होता है ह्यूमन के द्वारा ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की। मतलब अभी हमने बताया ऑक्सीजन सिलेंडर में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फिल करते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, और ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग के दौरान, ये इसको यूज करके हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन का। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके K2CO3 बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये ऑक्सीजन हमें लगातार प्रोवाइड करता रहता है ब्रीदिंग के लिए, तो इसलिए हम इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को यूज करते हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए इन स्पेस कैप्सूल सब मेराइन एंड ब्रीदिंग मास्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द ह्यूमन आरबीसी। ये पूछ रहा है ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है। अगर यही लाइफ स्पान न्यू बॉर्न बेबी के लिए पूछा जाए आरबीसी का, तो वो 100 डेज का होता है। सिकल सेल आरबीसी जो होती हैं उनका लाइफ स्पान 10 से 20 दिन का होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी में आप जानते हैं होंगे कि इसमें एक ग्रेन्युलोसाइट होती हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसका लाइफ स्पान 10 to 14 आवर होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स का लाइफ स्पान 24 आवर होता है, लेकिन जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स इनका लाइफ स्पान 5 to 7 डेज होता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 2 to 4 or 5 दिन का। तो इस तरीके से हमसे पूछ रहा है व्हाट इज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी 120 डेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इनकरेक्टली, पूछ रहा है इनकरेक्टली पेयर्ड विद फीडिंग मैकेनिज्म। पहला ऑप्शन है एफिड। एफिड एक फ्लूड फीडर है, ये सही है क्योंकि ये फीड करता है किसको, प्लांट के सैप को, इसलिए ये फ्लूड फीडर है। क्लैम क्या है, क्लैम सस्पेंशन फीडर है, या इसको कहते हैं फिल्टर फीडर।
फीडर, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है लायन इज ए सबस्ट्रेट फीडर, ये रॉन्ग है। लायन जो होता है वो होता है बल्क फीडर, क्योंकि ये कंज्यूम करता है इंटायर प्रे को, इसलिए हम बोलेंगे लायन सबस्ट्रेट फीडर नहीं है, लायन इज ए बल्क फीडर। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, क्योंकि ये पूछ रहा है इनकरेक्टली पेयर्ड, तो लायन जो होता है वो बल्क फीडर सबस्ट्रेट फीडर नहीं होता है। बेलिनवेल सस्पेंशन फीडर, ये भी सही है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ओवर ग्रोथ जो होती है प्लैंकटन की, उसको प्रिवेंट करता है और क्या करता है, अलाउ करता है सनलाइट को पेनिट्रेट करने में डीपर लेयर ऑफ द मैराइन वाटर बॉडी में, इसलिए ये जो बेलिनवेल है ये सस्पेंशन फीडर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ह्यूमन जेस्टेशन द रूडिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन डेवलप्ड, ये पूछ रहा है किस ट्राइमेस्टर में रूडिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन डेवलप्ड होगा। चूंकि हम जानते हैं जो ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड होता है वो 38 to 40 week का होता है फ्रॉम लास्ट मेंसुरेशन, मतलब लास्ट जो मेंसुरेशन होगा उससे उसको काउंट करेंगे, उससे लेके 30 to 40 week का जो ह्यूमन जेस्टेशन होता है। ये ह्यूमन जेस्टेशन जो होता है वो 3 trimester में डिवाइड होता है, फर्स्ट trimester, सेकेंड trimester एंड थर्ड trimester। जो फर्स्ट trimester होता है इसमें प्लेसेंटा बनता है और ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्लेसेंटा जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फर्स्ट trimester में। और फर्स्ट trimester में और क्या बनते हैं, फर्स्ट trimester में जो होता है ऑल प्रिमिटिव पार्ट को हम इन द सेंस ये रूडिमेंट पार्ट कहलाता है। फर्स्ट trimester में ही प्रिमिटिव पार्ट जैसे फेस हो गया, हार्ट हो गया एंड नर्वस सिस्टम बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जेस्टेशन के दौरान जो सारे रूडिमेंट ऑर्गन होते हैं वो डेवलप कहाँ होते हैं, फर्स्ट टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस यूजिंग सेम यूनिट, मतलब इसमें किसका सेम मात्रक है ये पूछ रहा है दोनों क्वांटिटीज का। चूंकि हम जानते हैं पावर का मतलब होता है W/T, तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर सेकंड होता है और जो मोमेंटम होता है पी बराबर हम जानते हैं M/B, इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो इसका दोनों यूनिट दोनों की अलग अलग है, तो ये सेम यूनिट दोनों नहीं रिप्रेजेंट कर रही, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन इम्पल्स, इम्पल्स का जो मात्रक होता है वो F/T होता है जिसे हम न्यूटन सेकंड लिखते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं kg, अभी बताया मीटर पर सेकंड। तो इम्पल्स की जो यूनिट हुई वो kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड हुई, और जितनी भी एनर्जी होती है उसका मात्रक जूल होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है। एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो वेट होता है इसको हम मेजर करते हैं kg में, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, दोनों की यूनिट अलग अलग है। वर्क, वर्क की जो मात्रक होता है वो जूल होता है, अभी हमने बताया जितनी भी एनर्जी होती है उसको हम जूल में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट जूल होती है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, दोनों का सेम मात्रक है जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ रूट कॉर्टेक्स, ये पूछ रहा है रूट कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी लेयर इसके अंदर पाई जाती है। अब हम बताते हैं कि जो रूट होती है उसमें सबसे बाहर क्या होती है, रूट हेयर होता है, रूट हेयर के बाद क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद पाया जाता है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बाद क्या पाया जाता है पिथ।
चूंकि ये पूछ रहा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ रूट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के इसके अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है, एंडोडर्मिस, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से जो कथन है वो सही नहीं है कैथोड रे के लिए। अब हम थोड़ा सा कैथोड रे के बारे में जान लेते हैं। कैथोड रे जो होती हैं वो ट्रेवल कैसे करती हैं, ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ये जो होती हैं स्ट्रीम होती हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का, और ये कैथोड रे होती हैं ये इमिटेड होती हैं कैथोड से ड्यू टू कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयन। ये कैथोड रे होती हैं वो डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा कैथोड रे डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, और ये पेनिट्रेट करती हैं कैथोड रे थिन फॉइल ऑफ द मेटल को, थिन फॉइल ऑफ द मेटल को। और कैथोड रे जो होती है इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे, चूंकि इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे इसलिए ये ट्रेवल नहीं करती है, नहीं करती है स्पीड्स ऑफ लाइट के रेट से ट्रेवल नहीं करती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे। कैथोड रे जो होती है वो आयोनाइज करती है गैस से, गैस को जिससे वो पास होती है पासेस। तो मतलब हमने बताया कैथोड रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, कैथोड रे स्ट्रीम होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रे इमिटेड होती है कैथोड से ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयन, कैथोड रे होती है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, कैथोड रे पेनिट्रेट करती है थिन फॉइल ऑफ द मेटल को, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है अप्लाइड पोटेंशियल पे इसलिए ये ट्रेवल नहीं करती है स्पीड ऑफ लाइट की रेट से, कैथोड रे आयनाइज करती है गैस को जिस गैस से वो पास होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करेक्ट है ये मूव करती है सेम एज स्पीड ऑफ द लाइट, तो यही ऑप्शन रॉन्ग हुआ। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये मूव नहीं करती है स्पीड ऑफ लाइट से। कैथोड अभी हमने बताया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, हाँ ये डिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये भी सही है। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है कि ये मूव नहीं करती है सेम एज दैट ऑफ लाइट की स्पीड। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट न्यूक्लियस क्या डिटरमाइन करता है। पहला ऑप्शन है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, चूंकि हम जानते हैं आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप जो भी होते हैं उसमें होता है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब हम एक आइसोटोप का एग्जांपल देते हैं, मान लो कार्बन C6H12 एंड 6C14 है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास नंबर इसका 12 है माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, मास नंबर 14 माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है। तो जो आइसोटोप ऑफ एलिमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, तो ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट न्यूक्लियस में। हमारा अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सेल ट्रीटेड विद EDTA ए केमिकल दैट बाइंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अगर एक्सेल को ट्रीट कर देंगे EDTA से तो जो केमिकल बाइंड करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन से उससे क्या फर्क पड़ेगा उस पर, चूंकि हम जानते हैं जो EDTA होता है वो एक चिलेटिंग एजेंट है और उसके साथ साथ क्या है एक डिटर्जेंट भी है।
अब चिलेटिंग एजेंट के बारे में समझते हैं, क्या है चिलेटिंग एजेंट, क्या होता है? ये रिएक्ट कर जाता है मेटल आयन से और देता है स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स। मतलब ईडीटी एक चिलेटिंग एजेंट है और डिटर्जेंट है। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? ये रिएक्ट कर जाता है मेटल आयन से और देता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और जो ईडीटी ए होता है मोस्ट कॉमनली यूज चिलेटिंग एजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज चिलेटिंग एजेंट, यूज चिलेटिंग एजेंट है ईडीटी ए। जब हम एग सेल को ट्रीट करते हैं, एग सेल जब ट्रीट होती है ईडीटी ए से, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होता है वो बाइंड कर जाता है ईडीटी से। ईडीटी ए से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वो बाइंड कर जाता है ईडीटी से, तो जो फर्टिलाइजेशन के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन एनवेलप नहीं बन पाता है जब एक्सेल को ट्रीट कर देते हैं ईडीटीए से। फर्टिलाइजेशन एनवेलप नॉट फॉर्म्ड। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सेल ट्रीटेड विद ईडीटीए केमिकल दैट बाइंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इसकी वजह से जो ये सेकंड ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन एनवेलप वुड नॉट बी फॉर्म, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एनवेलप के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन चाहिए। जब सेल को ट्रीट कर देते हैं ईडीटी से तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बाइंड कर जाता है ईडीटीए से, जिससे हमें फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं मिल पाता है फर्टिलाइजेशन एनवेलप के फॉर्मेशन के लिए, इस वजह से फर्टिलाइजेशन एनवेलप नहीं बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने अपने आज के 10 प्रश्नों को हल किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।